Now this is all your नाउ दिस इज ऑल यूर अबाउट द लिवर नाउल ब्लाइडर नाउल start the gallbladder. Gallbladder हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर में रहता पीछे से रहता इसलिए हम लोग दिखता नहीं है राइट सो लाइक दिस इज वी ऑलरेडी नो दैट ये हमारा बैक साइड का लीवर का डायग्राम है जिसको हम लोग ये कौन सा लोब है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेट लोब बोलते हैं, और जो स्क्वायर जैसा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेट लोब क्या बोलते हैं दिस इज द क्वाड्रेट लोब यहां पर आपका क्वाड्रेट लोब में आपका गोल ब्लैडर रहेगा दिस इज द गोल ब्लैडर विच इज प्रेजेंट इन दट ये पीछे से हम लोगों ने आगे से अगर हम लीवर अगर निकालोगे तो आगे से इस तरह से दिखेगा और छोटा सा आपको यहाँ गोल ब्लैडर नीचे से दिखेगा राइट right? क्योंकि वो पीछे से नो यहाँ क्या काम है आपके राइट लोब ऑफ लीवर में से और आपके लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में से जितना भी बाइल आ रहा है राइट ऑल दिस बाइल इज गॉल ब्लाडर यहां इसका क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है स्टोर्ड रहता है आपका बैल कहां पर दैट इज इन केस ऑफ गॉल ब्लाडर दिस गॉल्फ ब्लैडर इज डिवाइडेड इंटू ये अगर देखोगे तो फंडस ये कैप जैसा फंडस बॉडी और इसको बोलते हैं नेक यह है नेक बॉडी और यह है फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर अब ये जो गॉल ब्लैडर में से जो ट्यूब निकल रही है राइट right? हम लोग आई जस्ट ड्रॉ विद देल्प ऑफ डिफरेंट कलर दैट इज अ रेड कलर दिस ट्यूब इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्यूब दैट इज कॉल्ड सिस्टिक दिस सिस्टिक डक्ट ये आपकी राइट हिपैटिक डक्ट है यह आपकी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है नाउ दे फॉर्म्स द कॉमन हिपैटिक डक्ट व्हाट दे फॉर्म दे फॉर्म कॉमन हिपैटिक डॉइन विद द कॉमन हिपैटिक सिस्टिक डक्ट ज्वाइन विद द कॉमन हिपैटिक डक्ट तो इतनी जो है आपकी दिस इज योर कॉमन हिपैटिक डे है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट राइट हिपैटिक डग राइट एंड लेफ्ट मिलाकर बनेगी कॉमन हिपैटिक डग और उसको जाके ज्वाइन होगी सिस्टिक डग ओके नाउल टू ज्वाइन देअर दट इज कॉल्डिकर ज्वाइनिंग दैट इट बिकम कॉमन वॉइल्ड अब बनेगी तुम्हारी कॉमन वाइल्ड ये कॉमन बॉइल डक नीचे जाके किससे मिलेगी पैंक्रिएटिक डक से किससे मिली पैंक्रिएटिक डक अब ये दोनों बनाएंगे हिपैटो पैंक्रिएटिक डक ये दिख रही है यहां पर और फिर ये थोड़ी सी बढ़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वैटर और वो एम्पुला वैटर आपके डिओडम में डिओडेनम में ओपन होगा और इस स्प्रिंक्टर को बोलते हैं स्पिंक्टर ऑड़ा है तो ये आपके गॉल ब्लैडर और लीवर का सिक्रेशन आएगा और आपके बैंक का सिक्रेशन आएगा राइट सो दिस इज योर ट्री डायग्राम राइट एपेटिक डक लेफ्ट एपेटिक डक टू फॉर्म कॉमन एपेटिक डक विच ज्वाइन विद द सिस्टिक डक नाउ इट फॉर्म कॉमन बाइल डक कॉमन हिपैटिक डक्ट ये और ये है कॉमन बाइल डक्ट ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे आई है ज्वाइन विद द पैंक्रियाटिक टू फॉर्म हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट और वो ओपन होगी तुम्हारे डिवेनम में ओके सो इनकेस ऑफ ऑलमोस्ट लाइक मैम यू कैन सी द गोल ब्लेडर एम्फीबियन में भी आपको गोल ब्लेडर मिलेंगी बर्ड्स में गोल ब्लेडर नहीं रहती तो ये हो गया आपका पूरा दैट इज ऑल अबाउट यूर वीच वन लीवर और गोल्फ ब्लेडर के बारे में अब हम लोग का एक और ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाज सेकेंड है पैंक्रियाज यहां जो दिख रहा है ना आपको ये रेड वाला अब ये रेड वाला खत्म हो गया लीवर ये वॉल ब्लेडर भी खत्म हो गया अब जाते हैं हम लोग पैंक्रिया की तरफ से सो पैंक्रिया ऑर्गन है, अब ये है organ, direct, right? so, ये आपके सी शेप जो डिडेन में उसके इसमें इसका हेड रहेगा और ये होगी बॉडी और ये होगी उसकी टेल दिस इज ऑल अबॉडी ऑर विचुअल दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाज और ये पैंक्रिया से निकलने वाली कौन सी डकट है पैंक्रियाटिक जुड़ने वाली है वो बॉइल डक से वो बॉइल डक कहा से आ गई ये आपकी रेड सिस्टिक डक्ट और यहां पर आ गई आपकी राइट हिपैटिक एंड लेफ्ट हिपैटिक ड इस तरह से और दिस वन

और किधर लेके जा रही है वो पूरा सिक्रीशन राइट इट विल एंटर इनटू द दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम सारा सिक्रीशन अल्कलाइन है 8.2 टू 8.8 उसका पीएच है अल्कलाइन इन नेचर और ये जो सिक्रीशन सिक्रीशन सिक्रेट करने वाले जो सेल है वो ऐसे डक्ट के आजू बाजू में रहते हैं इन सारे सेल को एसिनार सेल बोलते हैं क्या बोलते इनको एसिनार सेल राइट right? इनका जो सिक्रीशन है ये सिक्रीशन ये डक्ट में जाएगा और डक्ट से आपके इधर जाएगा सो so ये कौन सा हो गया एसीना कितना सिक्रीशन करता है आपका पैंक्रियाज दिन भर भर से एक से डेढ़ लीटर का सिक्रीशन करेगा पैंक्रियाटिक जूस का अब ये पैंक्रियाटिक जूस में ये सारा सिक्रीशन डक्ट से लेके जा रहा है तो पैंक्रिया कौन सी ग्लैंड होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड क्योंकि सिक्रीशन सिक्रिटेड एंड ट्रांसफर बाय डक्ट डे सब्सटेंस में भी कुछ सेल रहते हैं जो इस तरह से साइड में गिरे रहते साइड में जिसका सिक्रेशन कोई डक्ट कैरी नहीं करती वो सिक्रेशन डायरेक्टली कैपिलरीज में चला जाएगा डायरेक्टली इन टू द कैपिलरीज जस्ट लाइक द हार्मोन, क्योंकि इनका जो सिक्रेशन है वो हार्मोन ही है तो अब ये पार्ट कौन सा पार्ट हो गया जिनको डक नहीं है एंडोक्राइन और व्हाट आर द नेम ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय दिस सेल दैट इज कॉल्ड इंसुलिन ग्लूकैगोन एंड सोमैटोस्टैटिन ये हार्मोन आपके ये सेल अब इस सेल का नाम क्या है इनका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स ये इंडोक्राइन सेल है व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ सेल अल्फा सेल बीटा सेल and your delta cell okay so delta cell so these are various type of cell alpha cell secrete of islet secrete glucagon beta cell secrete insulin and delta somatostatin yani statin yani ye yahan par ye jo cell hai insulin बढ़ गया तो उसको stable करता glucagon बढ़ गया तो उसको stable करेगा insulin बढ़ गया तो आपकी body का sugar कम हो जाएगा तो फिर आपका glucagon बढ़ेगा में से और ग्लूकोज लेकर आएगा तो क्या हो रहा है स्टेबल हो रहा है राइट अगर बहुत इंसुलिन अगर कम हो गया तो हो सकता है आपके बॉडी में ग्लूकोज बहुत ये है राइट सो ये दोनों को स्टेबल करने के लिए कौन है सोमैटोस्टैटिन और ये एक दूसरे के कैसे है स्टिवुलेटरी एंड इनहिबिलेटरी राइट इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को यूज करता है कौन से ग्लूकोज को ब्लड के ग्लूकोज को और कहा लेके जाता है सेल के पास तो इसीलिए इंसुलिन की वजह से आपके ब्लड का जो ग्लूकोज है कम हो जाता राइट और ये अगर ग्लूकोज कम हो गया फिर वापस ब्लड में ग्लूकोज जाने के लिए ग्लूकैगोन आएगा ग्लूकैगोन क्या करेगा लीवर में ग्लूकोज और बढ़ाएगा और वो ग्लूकोज वापस स्टोर है ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा, सो so, ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के लिए right? so, राइट, कौन सा पार्ट है वाला और ये है आपकी सेल विच इज अराउंड ये सारे जो सेल है आपको दिख रहे हैं दिज आर कॉल्ड एसिनर सेल इनका सिक्रीशन जो है पैंक्रियाटिक जूस करके काम करता है तो इस चैप्टर में इंसुलिन ग्लूकैगोन, एंडोक्राइन पार्ट का तो है नहीं, वो तो केमिकल कंट्रोल एंड नहींटिक जूस था, अब ये का है क्या क्या रहता है इसमें अल्कलाइन इन नेचर है सबसे पहले तो कितना है एक से डेढ़ लीटर रहता पहला एग्ज है लाइपेस करके जिसको स्टेपिन करके भी बोलते हैं दिस वॉज सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाटिक दट इज कॉल्ड एसिनर सेल क्या करेगा लाइफेज लिपिड का डाइजेशन अमाइलिस किसका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अब यह पैंक्रियज वाला पैंक्रियाटिक अमाइलेज और कहा था याद करो सलाइवा में दट इज सलाइवरी अमाइले ट्रिप्सिन ये हम लोग द्रिप्सिन है ओके okay? का राइट right? ये जेन ये हम लोग यहाँ जेन लिख के रख देते ट्रिप्सिन हो जाए ट्रिप्सिन हो गया काइमोट्रिप्सिन हो गया और प्रोटीन के लिए पॉलीपेप्टाइड वाला एंजाइम दैट इज कार्बोक्सीपेप्टिडेज कार्बोक्सी पेप्टिडेज कार्बोक्सी एंजाइम ये भी आपका कौन पैनक्रियास सेक्रेट करता है राइट right? न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियस तो ये हो गया आपके पैंक्रेटिक जूस का इस जूस में से ये जो ट्रिप्सिन वाला है दिस ट्रिप्सिन इज़ इज़ द द एंजाइम प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म इनवर्टिब्रेट हो या वर्टिब्रेट हो सारे ऑर्गेनिजम में किंगडम एनिमल में पूरा ट्रिप्सिन हर जगह मिलेगा सो दिस इज अ वन ऑफ द यूनिवर्सल एंजाइम ट्रिप्सिन को कौन से बोलते हैं यूनिवर्सल एंजाइम ये एंजाइम आपको आपके इवोल्यूशन वाले ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के चैप्टर में भी आएगा जहां पर दिस इज वन ऑफ द प्रूफ कि सारे इवोल्यूशन में छोटा ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू हमारा एडवांस हर जगह आपको ये एंजाइम मिलेगा एनिमल किंगडम में दैट इज कॉल्ड द ट्रिप्सिन तो वी कैन से हम लोग एक ही जैसे है बिकॉज द ट्रिप्सिन इज अ कॉमन फैक्टर तो यहां हम लोगों को लाइपेज इज ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड न्यूक्लियस तो ये किस की? ये सारा बनाता है आपका पैंक्रियाटिक जूस ये पूरा पैंक्रियाटिक जूस किधर जाएगा आपके ड्यूडेनम में ड्यूडेनम का खुद का इंटेस्टिनल जूस और पैटाइटिस नॉट इंटेस्टिनल सकसेंट्रिकस और पैंक्रियस का ये पूरा डाइजेशन में आपके काम आएगा तो अब हम लोग देखते डाइजेशन क्योंकि अब सब हो गया इस हो गया स्टमक में आ गया प्रोटीन का डाइजेशन हो गया वो सारा प्रोटीन बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट लिपिड अब जाके कैसे डाइजेस्ट होगा हम लोग देखते हैं जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यू फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कि कैसे डाइजेशन हो रहा है अब हम आए हमारे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पार्ट पे फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट देखते कार्बोहाइड्रेट्स

ऑलिगोसाइक्राइड पॉलीसाइक्राइड मोनोर कार्बोहाइड्रेट सो क्या होगा आपका सबसे पहले हाइड्रोलिसिस. कार्बोहाइड्रेट को आपको पता है देर इज अजब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहता दो शुगर मॉलिक्यूल में विच विजबॉन्ड डेट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलिक बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इस बॉन्ड का क्या होगा हाइड्रो लाइसिस क्योंकि मैंने बोला ना सारे आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है हाइड्रोलिस काम करते हैं सो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इनके ब्रेक होंगे और आपके पॉलिसाइक्राइड या ऑलिगोसाइक्रेड मोनोसाइक्राइड और डायसाइक्राइड में ये हो जाएंगे राइट और यहां पर लगने वाले जो एंजाइम है उसको बोलते हैं अमाइलेज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ने वाले कौन से अमाइलेज या सिंपल लैंग्वेज में इनको ग्लाइकोसाइडेज भी बोल सकते हैं आप राइट right? ग्लाइकोसाइडेज और अमाइलेज ये करेंगे आपके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इन बिटवीन द शुगर मॉलिक्यूल और बॉन्ड कौन सा रहता हर वक्त अल्फा कौन सा रहता अल्फा दिस अमाइलेज आइदर इट इज सलाइवरी अमाइलेज और इट इज अ पैंक्रियाटिक अमाइलेज दे कैन ओनली ब्रेक द अल्फा बॉन्ड दे नॉट ब्रेक द बीटा बॉन्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट है ओके okay, इसीलिए हम लोग वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेल्यूलोज ओके सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सो दोनों का एक्शन अल्फा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करना है ये है आपका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अब हम लोग स्टार्ट करते कोई भी स्टार्स ले लो यहां पर आपके बुक में स्टार्स है तो वी विल टेक द स्टार्च ओके वट है जैसे ही आपने स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट खा लिया

भी निकलेगा सो विल इन द हेल्प ऑफ सलाइवे मॉइले स्टार्च ब्रेक डाउन इन टू माल्टोज उसके ही जैसा आएसो माल्टोज एक्सट्रीन विट डेक्सट्रीन लिमिट डेक्सट्रीन है क्या इट इज अच कोर ऑफ पॉलिसेट ये लिमिट डेक्सट्रीन क्या है इट इज हाईली ब्रांच कोर ऑफ

इसोमालेकडाउन होना चालू हो गया और ये जो बचा है आपका वट इज दैट कॉल्ड लिमिट बाद में ये टूटेगा सो यूवर स्टार्च इज ब्रेक डाउन इन टू माल्टोजो थर्टी परसेंट ऑफ स्टार्च डाइजेस्ट होता आपके माउथ में क्योंकि माउथ में सलाइवरी अमाइलेज और बचा हुआ सेवेंटी परसेंट आपके किधर होगा स्मॉल इंटेस्ट एन फिर वहां कौन सा अमाइलेज आएगा पैंक्रियाटिक उथ right? का पी एच स्लाइटली एसिडिक रहता कैसे रहता सिक्स पॉइंट एट इज एसिडिक लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का इट इज मोर देन एट टू इट इज अल्कलाइन इन नेचर राइट सो हियर

टाइलिन भी बोल सकते हैं उसको तो क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टाइलिन क्योंकि पीएच कैसे पूरा क्यों नहीं होता स्लाइटली एडजस्टेड एसिडिक और जो रिमेनिंग है आपका वो किधर हो जाएगा दैट इज इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन सो दिस इज ऑल अबाउट ओरल कैविटी में आपका स्टार्च ओरल कैविटी में क्या हुआ माउथ में अब वहां से गया ईसोफेगस में ईसोफेगस में तो कोई डाइजेस्ट नहीं होता वहां पर सीधा बोलस फॉर्म में प्रोपेल हो जाता नीचे फिर आता वो स्टमक में अब स्टमक में क्या होता इन केस ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक जो जूस है यहां पर स्टमक में इसमें नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम कोई भी डाइजेस्टिंग एंजाइम है ही नहीं तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा हम लोग यहां लिखते नो no. कोई कार्बोहाइड्रेट का स्टमक में नहीं हो रहा है राइट अब ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है फूड है जो एसिड में मिक्स हो गया यहाँ पर यहां पर एक मिक्स होके ये जो तैयार हो गया फूड इसको हम लोग बोलते मिक्स फूड डाइजेशन तो हुआ नहीं लेकिन जो मिक्स होके किसके साथ मिक्स हुआ एसिड के साथ इस फूड को हम लोग बोलते खाइम क्या बोलते हैं वी कैन कॉल देम दैट इज कॉल्ड काइम और ये काइम फिर आपका एसिड के साथ मिक्स हुआ फूड किधर जाएगा आपके इंटेस्टाइन में फिर इंटेस्टाइन में इसके ऊपर बाइलेट करेगा पैंक्रिएटिक जूस एक्ट करेगा इंटेस्टाइनल जूस एक्ट करेगा राइट सो so, अब ये फूड गया आपका किधर स्मॉल इंटेस्टाइन में सो <laughs> so, जो पैंक्रिएटिक जूस है स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ये फूड गया

डायजेस्ट होना यानी जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसको तोड़ तोड़ के सबसे छोटा मॉलिक्यूल बनाना जो आपके ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होकर आपके लीवर में चला जाएगा तो समझ लो आपका जो स्टार्च है सेवेंटी परसेंट स्टार्च परसेंट द हेल्प ऑफ दिस पैंक्रियाटिक अमाइलेज इज ब्रेक डाउन इन टू सेम माल्टोज आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन सेम जैसा ऊपर हुआ वैसा ही नीचे होगा राइट right? सो so, पहले होगा माल्टोज आइसोमाल्टोज और फिर होगा लिमिट डेक्सट्रीन अब बाकी का आपको ऑलरेडी पता है कि अगर माल्टोज है आइसोमाल्टोज है लिमिट डेक्सट्रीन है तो माल्टोज का क्या होता है माल्टोज इज व्हाट नथिंग बट द डायसेक्रेट माल्टोज क्या है डायसेक्रेट है तो विद द हेल्प ऑफ माल्टेज इट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज का एक और ग्लूकोज का दूसरा ब्रेक ब्रेकडाउन इंटू मोनोसाइक्रेड का एक और मोनोसाइक्रेट हो गए ग्लूकोज मॉलिक्यूल आइसोमाल्टोज, एंजाइम आइसोमाल्टेज, इट इज ब्रेक डाउन इनटू अगेन सेम माल्टोज जैसे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और क्या हो सकता लिमिट डेक्सटिन लिमिट डेक्सट्रीन क्या करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनज्रीनेज बहुत आसान है जो तुम्हारा यह है सबस्ट्रेट वैसा ही एंजाइम का नाम है राइट ये किससे बना है पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है आपका तो सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर देगा वो राइट ये हो गया आपका लिमिक डेक्सट्रीन अब समझ लो शुक्रोज है शुक्रूज विद द हेल्प ऑफ शुक्रेज ये सब हम लोग देख रहे हैं तो शुक्रोज में क्या रहता ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं रहता ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज याद करो आपके बायो मोलिक्यूल का चैप्टर शुक्रोज इट इज मेड अप ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज और कौन सा हो सकता लैक्टोज हो सकता डैक सेक्रेड ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये आपके तो ये सारे आपके क्या है मोनोसैक्रेड मॉलिक्यूल इन सब में अगर आप देखोगे तो जो 80 परसेंट शुगर है आपका वो सिर्फ ग्लूकोज है थोड़ा सा ही फ्रुक्टोज गैलेक्टोज है सो एटी परसेंट ऑफ ह्यूमन शुगर जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है दैट इज अ ग्लूकोज और जो बचा हुआ है फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज हो गया सो दिस इज ऑल अबाउट योर वन कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता अब इसमें ये जो लैक्टोज वाला है दैट इज कॉल ये वाला लैक्टोज लैक्टोज कैन डाइजेस्ट ओनली बाय एडल्ट ह्यूमन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लैक्टोज शुगर है इट इज ओनली डाइजेस्टेड बाय एडल्ट ह्यूमन बच्चों में तो होता ही है वो तो दूध ही पीते लेकिन एडल्ट में भी लैक्टेस डाइजेस्ट हो सकता है ह्यूमन बींग में हम लोग मैमल्स की बात करें टोटल मैमल्स में कोई भी मैमल में लैक्टोज एडल्ट में नहीं डायजेस्ट होता अब फिर लैक्टोज कौन से मैमल में डायजेस्ट होता तो सिर्फ ह्यूमन में यह बहुत इंपॉर्टेंट है राइट ऑल एजेस में

ह्यूमन में भी देखना कम से कम सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ एडल्ट ह्यूमन वो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उनको पेट में दूध पीने के बाद थोड़ी तकलीफ होती है जिसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलर ठीक से सुनो एडल्ट लोगों में राइट right? बच्चों में नहीं बच्चों ने दूध पीना ही चाहिए क्योंकि उनके पास लैक्टोज डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बहुत ज्यादा है लेकिन वट इज दैट कॉल्ड एडल्ट में लेक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता अगर किसी को दूध पीने के बाद पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है गड़बड़ हो रहा है या थोड़ी तकलीफ हो रही है तो समझ लेना कि उनके पास एडल्ट फॉर्म में डाइजेस्ट करने के लिए लेक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो सकता और नॉर्मल है दैट इज कॉल लेक्टोज इंटॉलरेंस बाकी एनिमल में तो क्यों मैमल्स में होता ही नहीं है सिर्फ ह्यूमन में होता ही है एडल्ट में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट और बच्चों में हर जगह डाइजेस्ट हो सकता है राइट क्योंकि बेसिकली मिल्क ये बच्चों के लिए ही बना है राइट एडल्ट के लिए जरूरत ही नहीं है राइट सो दिस इज इज ऑल अबाउट योर वन दैट कॉल्ड द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अब कार्बोहाइड्रेट में एक दूसरा अगर आप देखोगे तो सेल्युलज है एक अब ये तो आपका नॉर्मल डाइजेशन हो गया अब हम लोग सेलुलोज भी देख लेते हैं सेलुलोज का क्या होता है ये हो गया स्टार्च का ग्लाइकोस का भी सेम अब सेलुलोज में क्या होता ह्यूमन में सेलुलोज सेल्यूलोज वट इज दिस सेलूलोज इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज सी बनाए राइट एंड द प्रॉब्लम इन सेल्यूलोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, है, right? से है, लेकिन बॉन्ड इज बीटा बॉन्ड वेम ऑफ बॉन्ड इट इज अटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड सेलुलोज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं राइट right? और ह्यूमन में इसको डायजेस्ट करने के लिए बीटा माइलेज लगेगा लेकिन ह्यूमन में कौन सा है अल्फा अमाइलेज ह्यूमन में अल्फा अमाइलेज है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो ये सेल्युलस डाइजेस्ट पर तो कर पाएगा कि ह्यूमन नहीं सो ह्यूमन कैन नॉट ब्रेक द सेल्युल नाउ सेल्यूलोर्स कौन डाइजेस्ट करता है जैसे आप लोग देखते कि जो घास खाते हैं रोमिनेटिंग एनिमल जिसको हम लोग बोलते हैं कैटल हो गई काउ तो वो ये सेल्युलस डाइजेस्ट करते है. जो भी है प्लांट वाला सेल वॉल वाला जो सेलुलोज है लेकिन प्रॉब्लम यह कि क्या उनके अंदर भी ये सेल्यूलेज एंजाइम है या बीटा बीटाइलेज को ही नाम है है ओके तो उनके अंदर एंजाइम बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं सेलूले सेलूलेज सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए है क्या तो है तो करेक्ट है क्योंकि वो डाइजेस्ट कर पाते हैं लेकिन उनके अंदर भी ये एंजाइम नहीं रहता क्योंकि उनके स्टमक के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते वो उनके स्टमक के अंदर रहते और उनके पास ही एंजाइम है सो so, जो आपके रोमिनेटिंग एनिमल है काउ हो गया वो सेल्यूल डाइजेस्ट करते हैं ऐसा हमको लगता है लेकिन वो नहीं करते डाइजेस्ट उनके पेट के अंदर इन देयर स्टमक देयर आर अनदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया व्हाट इज बाय सिम्बायोटिक जो दूसरों के घर में रहते हैं और दूसरों को तकलीफ नहीं देते राइट right? एक तो तकलीफ भी नहीं दे रहे और ऊपर से हेल्प भी कर रहे हैं तो तो इसलिए अगर तकलीफ दे रहे तो पैरासाइटिक तो जो रूमिनेटिंग कैटल समझ लो कैटल है काउ है काउ डाइजेस्ट कर पाती कैसे सेलोज खुद नहीं कर पाती उनके पेट के अंदर स्टमक के अंदर जो दूसरे रूमिनेटिंग बैक्टीरिया है उनके पास ये एंजाइम है तो जैसे ही काओ ने कुछ खाया तो काओ के पेट में चला जाएगा वहां वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सेल्युलेज एंजाइम से उसको सेलुलोज को तोड़ेंगे राइट और फिर ये सेलुलोज जो रहेगा राइट ये सेलुलोज फिर टुकड़े-टुकड़े होकर बाद में इसका डाइजेशन होगा राइट सो बेसिकली सेलुलोज एक्ट बाय सेल्युलेज एंड देन इट विल ब्रेक डाउन इनटू acetic butyric and propionic acid which is nothing but the uh, that is called branch chain, uh, small short chain fatty acid jisko hum log bolte now this cellulose digesting jo hai uh, rabbit ho gaye aur kahan rehte non ruminating mein rabbit mein bhi hai ye guinea pig रुमेन uh, में रुमिनेटिंग एनिमल थोड़ी है वो इधर उधर आपको देखते क्या rabbit, guinea pig में आपको सेलुलेज enzyme भी देखेगा और कहा रहेगा Okay, so नेम ऑफ सिंबैटिक बैक्टीरिया और सिम्बैटिक बैक्टीरिया किधर रहते वो दैट इज इन सिकम पर्टिकुलर एनिमल और एक बात है राइट सम ऑफ द एनिमल जैसे आपका रैबिट हो गया रैबिट क्या करता है नॉर्मली यहां होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करने के लिए पेट में रैबिट में ये सेल्युलेज एंजाइम यहां रहता कहा रहता सिकम में अब तो प्रॉब्लम हो गया सेल्यूलेस का है रैबिट में सिकम में और सिकम में कभी भी डाइजेशन नहीं होता क्या होता सिकम में देर इज नो डाइजेशन रेबिट ने घास खा लिया जा रहा है डाइजेस्ट करके सेल्यूलेस का डाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है क्योंकि यहां सेल्यूलेस उसको एंजाइम मिल ही नहीं रहा है फिर यहां आ गया अब यहां तो रैबिट में अनडाइजेस्टेड आ गया राइट right? सेल्यूलेस यहां फिर मिक्स हो जाएगा लेकिन डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन के रैबिट में नहीं होगा लेकिन सेल्युलेज मिक्स हो जाएगा फिर ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट रैबिट में बाहर निकल जाएगा और यहां पर वो फीसिस में अंडाइजेस्टेड सेल्युलेज सेलूलोज प्लस यहां से थोड़ा सा एंजाइम भी बाहर निकल जाएगा सेल्युलेज अब ये रैबिट क्या करेगा उनके फीसेस को वापस से खाएगा वापस से खाने के बाद फिर किसके साथ खाया उसने सेल्यूलेस के साथ खाया इसलिए उनका वापस डाइजेशन होगा क्योंकि पहले जब वो जा रहा था तब उसके पास सेल्यूलेस नहीं था क्योंकि सेल्यूलेस यहां से मिल रहा है उसको राइट अब उसको सेल्यूलेस मिल गया क्योंकि उन्होंने खुद का फीसेस खाया खुद के फीसेस खाने वाले एनिमल को क्या बोलते हैं डेट इज कॉल्ड कोप्रोफेजिक एनिमल कोप्रो फेजिक एनिमल और ऐसी प्रोसेस को बोलते कोप्रोफैजी क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द या इनको सुडो रोम ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन दैट इज कॉल्ड रोमिनेटिंग एनिमल के बारे में राइट right? और बहुत जगह बहुत आरम आपके जो दरवाजे रहते हैं वुडन के फर्नीचर रहते हैं उसमें जो हम बोलते हैं ना पूरा फर्नीचर खराब हो गया टर्माइट्स लग गए इसमें इन टर्माइ्स के पेट वो वुड खा रहे हैं यानी क्या हो रहा है बेसिकली वो सेल को तोड़ रहे हैं एंजाइम है नहीं उनके पेट में भी के पेट में जो आपका उड़ खाते हैं उनके पेट में भी एक प्रोटोजून रहते हैं उन प्रोटोजून का नाम है ट्राइकोनिम्फा ट्राइकोनिम्फा ये टर्माइट्स के पेट में रहते